Hey champions! So champions, in this concept video I'm going to tell you the basic concept behind core inflation. तो हम लोग कई बार सुनते हैं inflation और कभी कभार आप सुनते हो core inflation. तो general sense में जब inflation की बात होती है तो वहां पर consumer price index को refer किया जाता है हमारे देश में, जहां पर CPI को एक indicator माना जाता है in general sense inflation का. लेकिन जब हम CPI calculate करते हैं तो उसमें food और energy के prices भी include होते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते समय फूड और एनर्जी के प्राइसेस कई बार बहुत ही ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. और चूंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं तो जो वेटेड एवरेज है जिसके बेसिस पे CPI कैलकुलेट होता है उसको इम्पैक्ट करते हैं. तो जब कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें इस तरीके के फूड और एनर्जी आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जिससे कि वोलेटिलिटी के चलते हमको जो इन्फ्लेशन के फिगर्स मिलते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं जेनरिक इन्फ्लेशन यानी कि CPI के कंपैरेटिवली, राइट? तो जब इस तरीके का माहौल होता है, जब बहुत थोड़े समय के लिए इन्फ्लेशन एकदम से वैल्यूज इस तरीके की कमोडिटीज के दाम एकदम से शूट अप करते हैं या ऊपर नीचे होते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन मेक्स मोर सेंस. बाय.